बरेली में भाजपा नेता व प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के पिता व पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री जितेंद्र रस्तोगी पर थाना कोतवाली में 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा लिखवाने वाली महिला अनुराधा रस्तोगी का आरोप है कि जितेंद्र रस्तोगी व उनके साथ के कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया व उनको व उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। मोहल्ला ख्वाजा कुतुब की रहने वाली महिला अनुराधा रस्तोगी ने अपनी ओर से दर्ज कराई गई FIR में आरोप लगाया कि वो अपने घर में पानी भर जाने के कारण सफाई कार्य करा रही थी। इसी बीच पड़ोस के रहने वाले जितेंद्र रस्तोगी के साथ 4-5 अन्य पुरुष व महिलाएं गाली गलौज करने लगे, काम रुकवा दिया। जब उसने पूछा तो मारपीट पर आमादा हो गए तथा उसको बुरी तरह से मारा पीटा। उसकी बेटी को बाल पकड़कर बुरी तरह गली में घसीटा तथा हत्या करने के उद्देश्य से भरे हुए कीचड़ के गड्ढे में घुसेड़ दिया। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। अनुराधा रस्तोगी ने हमलावर की गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा नेता पर आरोप है मारपीट करने का, एक महिला से इसका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है सर और क्या कार्रवाई की गई है? जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक एक कोतवाली में मुकदमा लिखा गया है जिसमें जितेंद्र रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति पर आरोप है, साथ में 4-5 लोगों पर आरोप है। उसमें एक वीडियो है जिस वीडियो में दो लोग लड़ रहे हैं लेकिन उसमें जितेंद्र रस्तोगी नहीं है, और वो किस पार्टी से सदस्य हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अभी वो पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी है। अपना नाम बता दीजिए। मैं अनुराधा रस्तोगी। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मुझे अपनी नाली को सफाई करने से रोका गया, जिसमें कि भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी ने अपने दबंगई के बलबूते पर आसपास के मतलब पड़ोसियों को मिला करके, वो जो कि एक प्रकार के गुंडे ही हैं, उनको सबको इकट्ठा करके जिसमें अशोक वर्मा और उसका परिवार सब शामिल थे, मुझे जब मैंने उसको रोकने का प्रयास करा तो उन्होंने मुझे यहाँ पर, उसकी मिसेज ने और जो भी लेडीज़ थी सब ने मुझे यहाँ पर मतलब गिराकर मारा, इस हद तक कर दिया कि मैं बिल्कुल जान ही चली जाती मेरी एक तरीके से। बेटी के साथ को बेटी के लिए मेरी छोटी बेटी की 3 साल की बच्ची है, वो अपने घर में खड़ी हुई थी, वहाँ पर घर से बेटी के बाल खींच करके उसका लड़का लक्ष्य वर्मा जो था वो बेटी के बाल घसीट करके यहीं पर ही उसने उसको रौंद दिया, जैसे कि रेप करते हैं इस तरीके से। वो इतना गंदा सीन लग रहा था कि देखने लायक नहीं था, और सारे जो भाजपा नेता था वो बड़ा तमाशा बन के सपोर्ट कर रहा था उस चीज़ के लिए। ये नहीं कि वो रुकवाए, उसकी मिसेज भी खड़ी हुई थी, जो लोग कर रहे थे दो तीन दिन आदमी मेरी बेटी के ऊपर थे जो उसको कर रहे थे, वो मुझे बचाने आ रही थी, मुझे बचाए ना इसलिए उसके साथ में उसको वहाँ रोका गया, और मेरे साथ में तो मुझे बिल्कुल कर ही दिया था बेहोश। 31 तारीख को मैंने FIR दर्ज कराई थी, 31 जुलाई को मैंने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और मैं बराबर प्रयास में हूँ कि गिरफ्तारी हो इसमें सबकी। मेरी जान का खतरा हमेशा बना हुआ है, क्योंकि इधर मेरे बेटे के मर्डर्स वाले लोग रहते हैं, जो जिनकी डेयरी है, वो उन्होंने मेरे बेटे का मर्डर किया है, जो सामने रहते हैं ये भी इन लोगों से मिले हुए हैं, तो इन लोग मेरे दोनों तरफ के जो पड़ोसी हैं वो दोनों ही मेरे दुश्मन हैं, तो मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं सुरक्षा चाहूँगी SSP महोदय से कि मुझे सुरक्षा दें यहाँ पर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।